Everyone, welcome to channel. तो आज की वीडियो वीडियो में में हम लोग एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले मैंने ऑलरेडी डीएसए कोर्स की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जिसमें ऑलरेडी दो वीडियोस लाइव हैं आप जरूर जाके देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद यू है given an n cross n 2d matrix representing an image rotate the image by 90 degree clockwise अभी हम लोग ye question clockwise के लिए डिस्कस करेंगे. after discussing you can try it for the anti clockwise as well तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है और आफ्टर रोटेशन वो कुछ इस तरीके की हमको दिखने वाली सो नाउ लेट सी हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन सो अगर आपने इसका सॉल्यूशन सोच लिया है तो बेसिकली इस वीडियो को पॉज करके जरूर मुझे कॉमेंट बताना कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को अगर हम स्पेस को यूज़ करते हैं ठीक है सबसे पहले मैं क्या करूँगा अगर मैं स्पेस को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दूँगा ठीक है ट्रांसपोज कर दूँगा ठीक है अगर मैं इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करूँ तो मेरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी ट्रांसपोज का मतलब क्या है रो को कॉलम कॉलम को रोज में चेंज कर दो ठीक है तो मैं क्या करता हूँ ट्रांसपोज करता हूँ तो ट्रांसपोज करने के बाद इस मैट्रिक्स को हम अगर देखें तो कुछ ये मैट्रिक्स मुझे ऐसी दिखने वाली है फोर सेवन टू फाइव एंड एट टू फाइव एट एंड लास्ट हो जाएगा थ्री सिक्स नाइन ठीक है ये ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ट्रांसपोज करने के बाद मैं इसे कर दूंगा रिवर्स ठीक है रिवर्स कर दूंगा मैं ठीक है मैंने इसको रिवर्स किया क्या बन गया सेवन फोर एट फाइव टू एंड नाइन सिक्स थ्री क्या मेरे को मेरा मैट्रिक्स रोटेट हुआ दिख रहा है क्या यस yes, रोटेट हो गया पर इस क्वेश्चन के इस अप्रोच में मुझे क्या लग रहा है मुझे स्पेस लग रहा है क्योंकि मुझे क्या करना पड़ रहा है एक नया एरे बना के इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को मुझे कहीं पे स्टोर करना पड़ रहा है ठीक है और जब मैं इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कहीं स्टोर कर लूंगा तभी मैं इसका रिवर्स करके हर रोज़ को मैं एक मैट्रिक्स जो उसका रोटेटेड मैट्रिक्स होगा वो मैं निकाल पा रहा हूँ पर इसमें इशू क्या है इसमें इशू इतना है कि जब हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो एक स्पेस ले रहा है इसलिए हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है वो क्या होगी ओ ऑफ एंड इंटू एफ जितना एरे का साइज़ होगा उतना हमें एक और स्पेस देना पड़ेगा सिंपल सी बात है तो दिस इज़ अ फर्स्ट अप्रोच ठीक है अब मैं जो सेकेंड अप्रोच यूज करूँगा वो मैं ये देखूँगा कि अगर मैं बिना स्पेस के करना चाहता हूँ मतलब मैं इन प्लेस मेथड यूज़ करना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं कोई भी नया स्पेस ना यूज़ करूँ और इस मैट्रिक्स को रोटेट कर दूँ तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस ठीक ठीक है तो मैं इस एरे को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उस एरे को ठीक है ये है हमारे पास एरे ठीक अब मुझे पता है कि अगर हमने लास्ट अप्रोच को ध्यान से देखा हो तो मुझे स्पेस क्यों लगा था ट्रांसपोज करने के लिए ठीक है ट्रांसपोज करने के लिए मुझे स्पेस लग रहा था ट्रांसपोज करने के लिए मुझे स्पेस लग रहा था ठीक है लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इस ट्रांसपोज वाले काम को बिना स्पेस यूज कर दूं, तो क्या मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज हो जाएगा कमेंट्स में तो ज़रूर बताना कि क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा यस होगा ऐसा तो आंसर यही है तो देखते हैं किस तरीके से मैं इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ ठीक है मुझे पता है कि मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बनना चाहिए अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा वन फोर सेवन ठीक है वन फोर सेवन टू फाइव एट एंड लास्ट है थ्री सिक्स नाइन ये है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स अच्छा अब अगर मैं थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो मुझे इसका आंसर दिख गया है कैसे कैसे मैं ट्रांसपोज कर सकता हूँ इसको ज़रूर नोट करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मे बी पॉसिबल कि आपको ये बहुत सारे मैट्रिक्स के क्वेश्चन में देखने को मिले कि, कि किस तरीके से आप ट्रांसपोज कर सकते हो एक मैट्रिक्स को बिना स्पेस को यूज़ किए हुए ये है मेरा डायगोनल ये डायगोनल है ठीक है ये डायगोनल है अगर मैं यहाँ से एक मिरर इमेज लिख कर मिरर इमेज कर दो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये थ्री है और ये सेवन है ये आपस में स्वैप हो जाएंगे मतलब इनको मेरे को स्वैप कर देना इन दोनों को मिरर्स को ठीक है जो टू की पोजीशन है वो फोर में आ जाएगी सिक्स की पोजीशन जो होगी वो एट में आ जाएगी और डायगोनल वाले एलिमेंट्स तो वहीं रहेंगे इसका मतलब ये है कि टू ये दोनों स्वैप हो जाएंगे सेवन और थ्री स्वैप हो जाएंगे सिक्स और एट स्वैप हो जाएंगे तो क्या मुझे ये वाली मैट्रिक्स नहीं मिल जाएगी अगर मैं इस अप्रोच को यूज़ करता हूँ तो पॉज द वीडियो एंड थिंक कि ऐसा होगा कि नहीं होगा यस yes, ऐसा होगा क्योंकि जब हम इसकी मिरर इमेज को लेंगे तो हमारे एक तरीके से जो रोज़ हैं वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगे और उसी को तो हम ट्रांसपोज कहते हैं तो मैट्रिक्स मेरी ट्रांसपोज हो जाएगी आफ्टर दिस जब हमने इसको ट्रांसपोज कर लिया उसके बाद मेरा सिंपल सा वर्क क्या होगा मैं सारी रोज़ को रिवर्स कर दूंगा रोज़ को रिवर्स कर दूंगा। एंड वी आर डन हमने इस अप्रोच से जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मुझे लगी इसकी वो लगी ओ ऑफ वन मैंने बिना स्पेस यूज किए एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बना लिया आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग चलो इसे कोड भी कर लेते हैं तो कोड कैसे करना है बहुत ईजी है कोड करना है इसे भी देखो मुझे पता है मुझे सबसे पहले काम क्या करना है ट्रांसपोज करना है तो मैं सबसे पहले ट्रांसपोज कर ठीक है मैंने ट्रांसपोज का कोड लिखा यहाँ से यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ वी आर ट्रांसपोजिंग द मैट्रिक्स तो ठीक है तो अब ये हो गया आउटर लुक ये क्या कर रहा है ये सारे रोज पर है ठीक है बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो है ना अंदर का जो लूप होगा ना वो कहाँ चलना चाहिए जैसे फर्स्ट टाइम अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सबसे पहले जैसे मैं इस पर देखूँ तो किस तरीके से लूप चलेगा सबसे पहले इस रो पे होंगे तो मुझे पूरी रो चाहिए मुझे पूरी रो चाहिए करेक्ट समझना इस बात को जब मैं सेकेंड रो पे आता हूँ तो मुझे सिर्फ इतने एलिमेंट्स को ट्रांसपोज करना होगा और जब मैं थर्ड रो में आऊँगा तो मैं उससे और एक कम करना चाहूँगा इसका मतलब यहाँ पे इंडेक्स जीरो है यहाँ पे इंडेक्स वन है यहाँ पे इंडेक्स टू है तो स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ का जीरो है यहाँ का वन है और यहाँ का टू है करेक्ट ये चीज़ समझ में आई ठीक है अगर ऐसा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं जे को हमेशा आई से स्टार्ट करूँगा ठीक है और कहाँ तक चलूंगा उस रो के लास्ट तक तो कैसे करेंगे मैट्रिक्स जीरो डॉट लेंथ कॉमा जे प्लस प्लस ठीक है अब सिंपल सी बात क्या है मुझे स्वाइपिंग करनी है तो मैं यहाँ पे स्वाइपिंग यूजिंग टू वेरिएबल का मदद मतलब से स्वाइप कर देता हूँ तो मैंने क्या लिख दिया मैट्रिक्स ऑफ मैंने आई और जे को स्टोर कर लिया ठीक है फिर मैट्रिक्स ऑफ जे सॉरी मैट्रिक्स ऑफ आई जे में मैं अपना मैट्रिक्स ऑफ जे और आई को डाल देता हूँ ठीक है और लास्ट क्या होता है मैट्रिक्स ऑफ जे एंड आई में मैं एम को ले आऊँगा ठीक है मेरा जो भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका है ठीक है अब मेरा जो सेकंड काम है वो क्या है इस हर रोज को मुझे करना है रिवर्स तो मैं एक काम करता हूँ मैं एक अलग सा फंक्शन बना लेता हूँ इसके लिए लेट्स राइट पब्लिक वॉइड रिवर्स एंड इसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स दी होगी ठीक है ओ सॉरी मेरे पास सिर्फ यहाँ पे एक एरे होगा जिसका नाम मैं रख लेता हूँ नम ठीक है ये हो गया है वो एरे यहाँ पे हम यूज करते हैं दो पॉइंटर्स का एक पॉइंटर होगा उस एरे के स्टार्ट में और एक पॉइंटर होगा उस एरे के एंड में ठीक है ठीक है अब मैं एक लूप लिख दे वो वाइल लूप लगा देता हूं यहां पे वाइल लूप लगा देंगे यहां पे जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है जब तक मेरे को दोनों वेरिएबल्स को स्वैप कर देना है ठीक है अगेन मैं एक वेरिएबल लेता हूं टेम ठीक है जिसमें नम के स्टार्ट को रख लेता हूँ ठीक है फिर नम के स्टार्ट को नम के एंड से चेंज कर देता हूँ और नम के एंड में एम को असाइन कर देता हूँ तो इस हिस्से ने मेरा क्या किया इस हिस्से ने मेरा रिवर्सल काम कर दिया अब मैं क्या करूँगा लास्ट में लास्ट में मैं यहाँ पे बेसिकली पूरे जो भी मेरे पास मैट्रिक्स है उसके हर रो को रिवर्स कर देता हो तो मैं एक और लूप लिख दूंगा यहाँ पे सिंपल सा ठीक है पूरे लूप को लिख दिया है मैंने और मुझे क्या करना है मुझे उस रिवर्स फंक्शन को कॉल कर देना है और रिवर्स फंक्शन में मैं क्या करूँगा मैट्रिक्स ऑफ आई को दे दूंगा एंड आई थिंक वी हैव डन ऑल द थिंग्स

Yes. so this is how we can solve this problem you can try it for the anti clockwise thing and for this question i will give you the link in the description and please watch the other videos as well and the videos link are in the description subscribe this channel like this video and share with your friends thanks for watching